हॉस्टल फीस में बढ़ोतरी को लेकर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का प्रदर्शन जारी है। इस प्रदर्शन में लेफ्ट ही नहीं भाजपा के छात्र संगठन एबीवीपी भी शामिल है। प्रदर्शन कर रहे छात्र प्रशासनिक भवन में घुस गए हैं और अंदर बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशासनिक भवन में ही वाइस चांसलर समेत जेएनयू प्रशासन के सभी अधिकारियों के दफ्तर है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक वाइस चांसलर छात्रों से नहीं मिलेंगे तब तक हम बिल्डिंग से बाहर नहीं आएंगे। इस बीच दिल्ली तक की टीम जेएनयू के माही हॉस्टल में पहुंची। माही हॉस्टल के कमरे में रहने वालों से फीस बढ़ोतरी को लेकर बातचीत की। यहाँ कोई छात्र पीएचडी कर रहा है, कोई मास्टर्स। सभी का कहना है कि नामी प्राइवेट यूनिवर्सिटी छोड़कर हम यहाँ पढ़ने आए क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सस्ता है और अच्छी शिक्षा मिलती है, लेकिन अब हमें अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर जाना पड़ेगा। जेएनयू में अब तक सर्विस चार्ज सरकार देती थी, लेकिन वो भी अब छात्रों को ही देना पड़ेगा। जेएनयू के जो छात्र हैं, वो बड़े पैमाने पर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से फीस बढ़ाया गया है उसको लेकर पिछले दिनों जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद छात्र काफी ज्यादा उग्र हो गए थे। पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई थी, उसके बाद यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि जिस तरीके से जो फीस बढ़ाया गया उसको लेकर किस लिए आप ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, किस लिए ये विरोध प्रदर्शन? IHA मैनुअल, दैट इज़ द न्यू हॉस्टल मैनुअल, इसके खिलाफ ये पूरा रेवोल्यूशन के लिए कि कॉल है प्रोटेस्ट की आज कन्वेंशन सेंटर पे। उसमें ग्रेट फीस हाइक है जो 1/3 ऑफ द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और हम सब उन स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं या हम आप अपने लिए यहाँ खड़े हैं। उसके अलावा कर्फ्यू टाइमिंग्स हैं और ड्रेस कोड्स हैं जो टोटली रिग्रेसिव एक पॉलिसी है, और उसके खिलाफ हम आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खिलाफ मार्च चल रहा है, किस लिए ये विरोध प्रदर्शन है, क्यों ये प्रोटेस्ट चल रहा है? सर, हमारा वाइस चांसलर एक फर्जी ड्राफ्ट मैनुअल लेके आता है और जिससे एक ऐसी स्थिति इस यूनिवर्सिटी में उत्पन्न हो जाती है जिससे यहाँ पढ़ने वाले 40-50% गरीब छात्र की डिग्रियाँ फंस गई हैं। अब वो बाहर नहीं जा सकते, ये लोग अचानक से फी 8,000-9,000 कर रहे हैं, जिससे कि जिस समय जेएनयू की स्थापना हुई थी उस समय ये बिल पास कराया गया था कि यहाँ पे ताकि हर गरीब तबके के लोग यहाँ के पढ़ सके। जैसा सर आप लोग जानते हैं कि यहीं के गार्ड जो थे पिछले साल, वही साल अभी रशियन में पढ़ाई कर रहे हैं, और भी ऐसे बहुत से छात्र हैं जो मजदूरी करते हैं और जो बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से आते हैं। गरीब जो छात्र हैं उनको फीस बढ़ने से काफ़ी मुश्किल होगी। अपने तरीके से आप देख पा रहे हैं जेएनयू के जो छात्र हैं वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आज बात की जाए तो तमाम अलग अलग जो छात्र संगठन हैं, चाहे एबीपी की बात करें चाहे जेएनयू का ये छात्र संगठन है, ये अलग अलग प्रोटेस्ट कर रहा है यहाँ पर। जो जेएनयू का कन्वेंशन सेंटर है आप पीछे की तरफ देख पा रहे होंगे, वहाँ पर गार्ड जो है वो ह्यूमन चैन बनाकर खड़े हो गए ताकि कोई भी अंदर दाखिल न हो सके। लगातार पिछले कई दिनों से ये विरोध प्रदर्शन जो छात्रों का है वो लगातार चल रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले छात्रों ने मंगलवार को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया था। छात्रों का कहना है कि जेएनयू प्रशासन ने छात्रावास, मेस और सुरक्षा फीस में 400% की वृद्धि की। वही जेएनयू प्रशासन का दावा है कि हॉस्टल के चार्ज में 19 साल के बाद इजाफा किया गया है। जेएनयू के नए मॉड्यूल के तहत अब विजिटर्स को रात 10:30 के बाद हॉस्टल से निकलना होगा। छात्रों पर हॉस्टल के नियमों का पालन ना करने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।